कि तेरे आने का यानी सेकंड कमिंग का और जगत के अंत का, देखिए जगत के अंत की बात हो रही है और जगत का अंत कोई जो है मामूली नहीं है, बहुत भयंकर किस्म से होगा जगत का अंत। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं स्वर्ग में उठा लिए जाने के बारे में कि कलीसिया या परमेश्वर के चुने हुए लोग स्वर्ग में उठा लिए गए। मसीह समाज के अंदर जो है बहुत कंफ्यूजन है, बहुत से बातों को लेकर, बहुत सी चीजों को लेकर है, खासतौर से इस बात को लेकर जो है बड़ा कंफ्यूजन है और लोगों की जो है वो अलग अलग धारणाएं हैं कि कलीसिया कब उठा ली जाएगी। जो है वो लिखा हुआ है कब उठा ली जाएगी, क्या कलीसिया महाकलेश काल के पहले उठा ली जाएगी या कलीसिया महाकलेश काल के बीच में उठा ली जाएगी या कलीसिया महाकलेश काल के बाद उठा ली जाएगी। ये जो है लोगों में इन बातों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, मगर मैं समझता हूं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सबके पास, जितने भी हम मसीह समाज के लोग हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही बाइबल है और उस एक बाइबल में जो मेरी इस बाइबल में लिखा वही आपकी बाइबल में लिखा है। अगर यूहन्ना 3:16 में यह लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, तो यह बात दुनिया की हर बाइबल में यूहन्ना 3:16 में यही बात लिखी। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जीवित और सच्चा एक ही वचन है जो परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया है। अब यहां जो है जो एक विशेष बात है जो हमें ध्यान रखना है, और वो विशेष बात क्या है कि कलीसिया का उठाया जाना जो है क्या किस पर निर्भर करता है। पहली चीज, कलीसिया का उठाया जाना यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर निर्भर करता है, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो कब होगा, महाकलेश काल से पहले होगा या महाकलेश काल के बीच में होगा या महाकलेश काल के बाद होगा। अब जिसको यह पता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा, तो उसे यह भी पता होगा कि कलीसिया कब उठा ली जाएगी। यह विशेष बात है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 7 पद में क्या लिखा हुआ है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, यानी वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है उस दूल्हे के साथ जाने के लिए। अब तैयारी का मतलब क्या है, यह ध्यान करने की बात है। तैयारी का मतलब क्या है कि उन दौरों के अंदर भी अपने विश्वास, अपने संयम, अपने धीरज, अपने प्रेम को बनाए रखना जो इस दुनिया में कलेशों के बीच में होता है, जिसमें बड़ा मुश्किल होता है, धीरज, संयम, विश्वास, भरोसे को बनाए रखना। भाई तैयारी तो तभी होती है ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। फिर लिखा है जब मती 25 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ेंगे, लिखा आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा जो है आ रहा है और उससे भेंट करने को चलो। यहां पर लिखा ना आधी रात को धूम मची। अब इस आधी रात में जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा चलो, तो कितने लोग गए, जो तैयार थे वही गए जी? नहीं, जो इस भूल में रहते हैं कि साहब हम तो तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, वो भी चले गए कि हम तो तैयार हैं यार, हम भी प्रभु आया लेने, हम भी जा रहे हैं। जो तैयार थी वो तो गई गई, जो तैयार नहीं थी वो भी चली गई। वो क्यों चली गई? क्योंकि उन्हें फुल कॉन्फिडेंस था, यार हम तो तैयार हैं, हमें किस बात की कमी है, किस बात की घटी है, अब हमें प्रभु के साथ जाने से कौन रोक सकता है। मगर यहां क्या लिखा हुआ है, मत्ती 25 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी
उनके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। अब जो मोल लेने जा रही थी, क्या जिनके कुपियों में तेल नहीं था, अरे यार हम तो सोचे थे कि हमारी तो पूरी तैयारी है, हमारी तो तैयारी नहीं है, बिल्कुल एंड टाइम पे पता चल रहा है उनको। अभी बहुत से लोग यही कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं कि हम तो तैयार हैं, मगर ये उस समय पता चलेगा जब यीशु मसीह आएगा, तब पता चलेगा अरे हमारी तो तैयारी नहीं है। और जब वो उस तैयारी को पूरा करने के लिए जाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जो तैयार थी वो चली गई और द्वार बंद हो गया। बिल्कुल साफ चीज है। अब एक बात को जरा समझना है कि ये जो आगमन है, ये जो तैयारी है, ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर है, ये तो बिल्कुल सही बात है, परंतु ये महाकलेश काल से पहले है या महाकलेश काल के बाद में है या महाकलेश काल के बीच में है, ये समझना है। और इसको समझने के लिए क्या है, मैं पढ़ना, चेलों के अंदर भी जिज्ञासा थी। क्या जिज्ञासा थी? कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या होगा। उन्होंने यीशु मसीह से दो सवाल पूछे। आप जब मत्ती 24 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं कि ये बातें कब होंगी। कौन सी बातें? दो बातें, कि तेरे आने का यानी सेकंड कमिंग का और जगत के अंत का। देखिए जगत के अंत की बात हो रही है और जगत का अंत कोई जो है मामूली नहीं है, बहुत भयंकर किस्म से होगा जगत का अंत, बहुत भयंकर किस्म से होगा। कि उसके आने का जो चिन्ह है वो क्या है। पढ़ने को तो मैं बहुत सी चीजें पढ़ा सकता हूं, मगर मत्ती 24 अध्याय जो है पूरा आप पढ़िएगा बड़े आराम से। मत्ती 24 अध्याय में बहुत सी डिटेल है। सबसे पहली डिटेल जब आप पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय के पहले और दूसरे पद की बात करेंगे, पहले दूसरे पद में यीशु मसीह को जो मंदिर है, सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनाया गया था, वो मंदिर की जो सजावट है, जो बनावट है, वो दिखाए जा रहे थे और उसकी बड़ी प्रशंसा की जा रही थी किस तरीके से बनाया गया। मगर यीशु मसीह ने उसके लिए भविष्यवाणी करी कि इस मंदिर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आज की तारीख में यरूशलम में जहां वो मंदिर बना था, सिर्फ पश्चिमी दीवार को छोड़कर उस मंदिर की एक ईंट भी वहां नहीं है। बिल्कुल साफ जो है वो परमेश्वर का वचन जो है, वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने की थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही कि ये पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, एक ईंट भी वहां नहीं है, मंदिर का तो नामो निशान नहीं है वहां, सिर्फ पश्चिमी दीवार को छोड़कर और कुछ नहीं। दिखाई दे रहा ना, हम देख रहे हैं ना जो विपत्ति, जो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब क्या होता है यहां पर, जब हम पढ़ेंगे मत्ती 24 का 36 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जो है, सिवाय पिता के और कोई नहीं जानता। जब पिता के नहीं जानता तो बहुत से लोग भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस साल आ जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उस साल आया, देखो प्रभु यीशु मसीह यहां आ गया, देखो प्रभु यीशु मसीह वहां आ गया। इस बारे में बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बारे में कोई नहीं जानता है। और जिस दिन वो आएगा, प्रकट होगा, उस दिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनको खुद ही पता चल जाएगा और उनको क्या, सभी को पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मत्ती 24 का 6 से 12 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो चिन्ह प्रकट कर रहा है, भूकंप, अकाल, लड़ाइयां, कलेश, एक जाति दूसरी जाति पर, एक राज दूसरे राज पर जो है वो चढ़ाई करेंगे और अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे। और आज ये सारी बातें दिखाई दे रही हैं, मगर ये महाकलेश काल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये महाकलेश काल नहीं है, क्योंकि 8वें पद में क्या लिखा हुआ है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये महाकलेश काल नहीं होगा। ये बड़ा ध्यान रखें कि महाकलेश काल कैसे होगा, कब से आरंभ होगा, ये मत्ती 24 अध्याय में दिया गया है। फिर मत्ती 24 का 13 से 14 जब पढ़ेंगे वहां लिखा है कि हम लोग जो हैं अंत तक, अर्थात महाकलेश काल के अंत तक हमें धीरज धरना होगा और परमेश्वर के राज के सुसमाचार को जगत तक फैलाना होगा।
अब सवाल ये उठता, परमेश्वर के राज का सुसमाचार क्या है? पहले हमें यह सीखना है। अब है क्या, लोगों को पता ही नहीं कि परमेश्वर के राज का सुसमाचार है क्या। उस सुसमाचार को जो है वो लोगों तक पहुंचाना है, और उसके बारे में, क्योंकि ये अलग विषय है, फिर किसी दिन परमेश्वर के राज के सुसमाचार के बारे में बात करेंगे, परंतु उसको हमें फैलाना है, उसको सीखना है। अब मत्ती 24 अध्याय 15 से 23 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो होता है, वहां लिखा महासंकट का आरंभ। अब होता है महासंकट का आरंभ होता है। अब वहां पर जो है महासंकट का आरंभ जो है वो दिखाया गया है, वो कैसे प्रकट होता है, यानी महासंकट का आरंभ, यानी महाकलेश काल का आरंभ जो होता है वो होता है। 15वां पद क्या लिखा हुआ है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, उस पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पड़े वे समझे जो है उस पवित्र स्थान में जो है वो, यदि आप खड़ी हुई समझेंगे, उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वो क्या है? उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र स्थान में, ध्यान दीजिएगा, जब बाइबल के अंदर पवित्र स्थान की बात आती है तो वो सीधे सीधे यरूशलम की बात आती है, यरूशलम के उस स्थान की बात आती है जहां परमेश्वर का मंदिर बनाया गया था, जो आज की तारीख में नहीं है। मगर याद रखिए, अगर वो आज की तारीख में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां मंदिर बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर अब जो है मंदिर बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही है, और जब वो मंदिर बन जाएगा तब क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहला थलसनकियों, सॉरी दूसरा थलसनकियों 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद तक, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, यानी वो जो है विनाश करने वाला कौन, वो जब परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा यरूशलम के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो अपने आप को बैठा लेगा, प्रकट करेगा कि मैं परमेश्वर हूं, और बहुत से लोगों का, देखिए यहां पर शब्द क्या आया, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। इसका मतलब क्या है कि जितने धर्म का पालन करते हैं उनको महाकलेश काल के दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि त्याग किसका होगा, अधर्मियों का थोड़ी होगा, त्याग तो उन्हीं का कराएगा जो धर्मी होंगे, जो धर्म का पालन करते होंगे, जो परमेश्वर के नियमों का पालन करते होंगे, जो धार्मिक लोग होंगे। अरे भाई, जो ऑलरेडी जिसने धर्म को त्यागी रखा है उसके धर्म का त्याग थोड़ी होगा। तो इसका मतलब सीधी सीधी, देखिए परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि महाकलीसिया महाकलेश काल से पहले या बीच में नहीं उठा ली जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, यहां पर बिल्कुल ध्यान करिएगा। इजरायली जो थे, कलीसिया को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, वो जो है पूरी तरीके से परमेश्वर जो है उन महाकलेश कालों से या जो भी विपत्तियां आएंगी उनसे सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, 9 अध्याय पढ़ा है, या एजेकिल आप 9 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, जब कलेश हुआ, जब मारकाट शुरू हुई, तो परमेश्वर ने अपने मारकाट से पहले, उन कलेशों से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों के माथे पर मोहर लगा दी, और मोहर लगा दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे लोग हैं, ये उस कलेश से सुरक्षित होंगे, रहेंगे इस दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जब इजरायली मिस्र के अंदर गुलामी में थे और परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि उनको गुलामी में से निकाला, और जब परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर भयंकर किस्म की 10 विपत्तियां डाली, अब पूरे मिस्र पर थी, अब मिस्र में तो इजरायली भी रह रहे थे, मगर एक भी विपत्ति इजरायलियों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाई, जबकि इजरायली भी उस विपत्ति के अंतर्गत रहते थे, परंतु वो परमेश्वर की सुरक्षा उनके चारों ओर थी, परमेश्वर का बाड़ा उनके चारों ओर था, क्योंकि परमेश्वर की मोहर उन पर लगी हुई थी, और इसलिए जो थे वो सुरक्षित थे, देख सब रहे थे, वो उन विपत्तियों को देख रहे थे, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब कुछ देख रहे थे,
परंतु उन विपत्तियों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं था। जस्ट लाइक बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम महाकलेश काल में तो होंगे, परंतु उन विपत्तियों का असर जो है वह हम पर नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा इसको देखेंगे, मगर इससे पहले हम जो है उस विनाश के पुत्र की बात कर रहे थे, और भी बात करेंगे कि इस विनाश के पुत्र को क्या दिया गया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उससे 2 पद में लिखा है, जिस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उस पशु को दे दिया जो समुन्द्र से निकला था। समुन्द्र से निकला पशु कौन है? है? यह है अजगर का उत्तराधिकारी, यानी विनाश का पुत्र जो दूसरे थलसनकियों में दिया गया। और इस अजगर यानी शैतान ने अपना सिंहासन, अपनी सामर्थ, अपना बड़ा अधिकार इस पशु को यानी इस राज को सौंप दिया है। और इस राज का जो अधिकारी, जो राजा है, उसने उस परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर सा दिखाकर और सारे लोगों का जो परमेश्वर के धर्म का पालन करते थे उनका धर्म त्याग कराने की कोशिश करी। अगर किसने नहीं करी तो उन्हें जान से मार डाला गया, तड़पा तड़पा के मार डाला गया। इसलिए कहते हैं जो धीरज धरा रहेगा जो वह है। परमेश्वर का वचन अब देखिए, मत्ती 24 और उसका 21 पद, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत की आरंभ से अब तक ना हुआ और ना कभी होगा। यानी इतना भारी कलेश जो है, इतनी भारी जो परेशानी होगी वो होगी। और एजेकेल 5 अध्याय उसके 9 पद में लिखा, तेरे सब घिनौने काम के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा जैसा अब तक ना किया और ना भविष्य में फिर कभी हो। यानी इतनी भयंकर विपत्ति जो है परमेश्वर जो है यानी इस संसार पर जो है वो डाल देगा परमेश्वर। और क्या कहता है डैनियल, जब आप 12 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है, उस समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वे उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने लोगों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। देखिए उस संकट में से कौन बचेगा? सिर्फ वो बचेंगे, उनको सुरक्षा दी जाएगी जो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं यानी परमेश्वर की मोहर जो है वो जिनके जीवन पर लगी है उन पे लगेगी। जब आप एजेकेल 9 अध्याय 1 से 4 पद पढ़ेंगे तो विनाश से पहले परमेश्वर क्या कह रहा है कि उनके माथे पर मोहर कर दे, और जिनके माथे पर मोहर हो गई उसके बाद जो है वो कलेश जो है वो उत्पन्न हुआ। और प्रकाशित वाक्य 9:4 में भी कहा गया कि उनसे कहा गया ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। अब एक विशेष बात मैं आखिर में आपको बताना चाहूंगा, यहां परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ रहा हूं, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाव के पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वे एक समय और समो और आधे समय तक पाली जाए। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर स्त्री पहुंचा दी गई है जंगल में एक सुरक्षित स्थान में। यहां यह नहीं लिखा कि वो उठा ली गई, उठा लिए जाने में और पहुंचा दिए जाने में जमीन और आसमान का अंतर है। यानी उसको सुरक्षा प्रदान की गई। और ये जो समय दिया गया है ये 1260 दिन का समय, 1260 दिन का मतलब है 3.5 साल का महाकलेश काल। और ये 3.5 साल का वो महाकलेश काल है जो चरम सीमा पर होगा। 7 साल का महाकलेश काल है, 7 साल का महाकलेश काल है, 3.5 साल का महाकलेश काल जो है वो दिखाया गया है। और उसके बाद 3.5 साल का जो भयंकर महाकलेश काल होगा जिसमें शैतान भी कूद पड़ेगा वो दिखाया गया, उससे जो है वो सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। और लास्ट में जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 13 और 14 पद, इस पर प्रचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में से धो कर श्वेत किए। अब ये कौन है?
ये वो लोग हैं जो महाकलेश में से निकल कर आए। यौहन्ना जिनको पूछ रहा है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए खड़े हैं, कि ये कौन लोग हैं प्रभु? ये वो लोग हैं जो महाकलेश काल में से निकल कर आए हैं। यानी अपने आप को इन्होंने पवित्र किया, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया है, इन्होंने अपना धर्म का त्याग नहीं होने दिया। ये मर गए परंतु धर्म का त्याग इन्होंने नहीं करा, अपने प्रभु को नहीं छोड़ा है, कितने भी संकट कितनी भी परेशानी आई है, और ये उसमें से सुरक्षित निकल कर आए। बहुतों ने अपने जीवन गंवा दिए हैं, मगर तब भी ये परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे हैं और परमेश्वर के साथ रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन करता है कि कलीसिया का उठाया जाना महाकलेश काल के बाद होगा। सुरक्षा प्रदान करेगा परमेश्वर, जैसे इसराइलियों को करी थी मिस्र में। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को तैयार करें उस महाकलेश काल में से अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे, ताकि उस महाकलेश काल में परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।